शांति। आज 9 दिसंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को भिन्न भिन्न युक्तियां बताई है सदा खुशी में रहने की। बाबा कहे, बच्चे सदा खुश रहना है तो अपने आप से बातें करो, मन ही मन रूरिहान करो। साथ ही साथ बाबा कहे, बच्चे कभी भी मन में कोई आसक्ति ना हो, क्योंकि जहां आसक्ति होती है और वो आसक्ति परिपूर्ण नहीं होती है तो खुशी गायब हो जाती है। इसलिए जितना अनासक्त वृत्ति की धारणा होगी तो सदा खुश रहेंगे। तीसरी बात बाबा ने कही, बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो। चौथी बात बाबा कहे, तुम कर्म योगी हो, हर कर्म तुम्हें बाप की याद में रहकर करना है, बाबा से इतनी मोहब्बत हो, क्योंकि बाबा के संग ही हम सभी को घर चलना है। और पांचवी बात बाबा कहे, बच्चे स्वदर्शन चक्र को फिराते रहो तो सदा खुश रहेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर, खुशी में तब रह सकते जब अपने आप से रूरिहान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति न हो, दो रोटी पेट को मिले, बस ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। तुम अपने को आत्मनिश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ, बाप बाप की मोहब्बत नहीं होती। अगर सर्वव्यापी होता तो क्या बाप बाप से ही मोहब्बत करते? ये कभी नहीं होता। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही है, यह मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है, परमात्मा के साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया, घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है, मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं।
दुनिया में भी मनुष्य पावन होने के लक्ष्य से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान ये दो है। कहते हैं, हे पतित पावनी गंगा, अब गंगा तो सुनती ही नहीं। बाबा कहे, वो तो पानी है, तो वो गंगा तो सुनती ही नहीं। सुनने वाला एक पतित पावन बाप ही है। अभी तुम उस बाप के सन्मुख बैठे हो। बाप बतला रहे हैं, तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी कहती है, मामेकम याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। बाबा बच्चों को प्रॉमिस करते हैं। तो क्या कहते हैं? बाप कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसा प्रॉमिस न गंगा कर सकती है, न कोई महात्मा आदि कर सकते हैं। गारंटी देते हैं बाबा ही, गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी दे न सके। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं परंतु पतित से पावन कोई बनते ही नहीं। फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? इतने मेले लगते हैं, उसको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। वो कुंभ मेले को आत्मा और परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी है। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाप कहते हैं, मैं भी इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूं, इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्तिधाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। यह है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहां न आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े? इसलिए जब आत्माएं परमधाम से नीचे उतरती है तभी तो यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ती है। आत्माएं निराकारी दुनिया से आती है, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती रहती है। तुम जानते हो आत्माएं यहाँ आती है, वृद्धि को पाती रहती है। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं, हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। जहां जन्म लेते हैं वह देश प्यारा लगता है। जहां जिसका जन्म होता है उनको हमेशा वो देश प्यारा लगता है। कहते हमको स्वीट होम भारत में ले चलो। अच्छा, समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहां ले आकर खत्म करते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहां कहां ले गए। प्लेन से कहा जाता है खेतों में राख को गिराया। तो इसीलिए बाबा कहे, नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहां कहां ले गए, खेतों में गिराई। समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज को वह कितना भी मान दे पुरानी तो जरूर होनी है।
कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं बाप का पता नहीं है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो तो दिल होती है मित्र संबंधी आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। कभी भी कोई बच्चा ज्ञान लेता है तो उसके मन में ये भावना जरूर जागृत होती है कि सारे मित्र संबंधियों को भी हम स्वर्गवासी बनाए। इसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारने चाहते हो क्या। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले थे, साकार बाबा पूछते थे बच्चों को आगे कभी मिले थे, तो झट कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। यह तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी कर न सके। बल से कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु यह बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था यह कह न सके। तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया था। यह आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा, अपने को आत्मनिश्चय कर और बाप को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। यह भी नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर सो देवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग के द्वार बताते हैं। बाबा आकर क्या करते हैं, हमें स्वर्ग का द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो हम नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाए। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तुम पतित नर्कवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो हम नर्क से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगमवासी है, हम आत्माएं अब जा रही है इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ, बाबा के घर। इस शरीर छोड़ हम आत्माएं जा रही है कहां, बाबा के साथ बाबा के घर। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा, बाबा की याद में रहना है। समझते हो ये शरीर जहां तक रहेगा वहां तक यात्रा चालू है। कर्म भी तो करना है, बल खाओ पियो खाना पकाओ, जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना है। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ। बहुत कमाई है, ट्रेन में सफर करते हो उस समय तो कोई काम नहीं रहता है, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा परमधाम से हमको लेने के लिए आया है। अच्छा, शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ। आओ हम अपने बाप की याद में बैठे, पॉइंट भी एक दो को सुनाओ। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो। उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो, एक आंख में मुक्ति एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहां था अभी नहीं है।
अब तो नरक है, बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे, खद्दर की रानी नहीं बनना। बाबा कहे खद्दर की रानी नहीं बनना, तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था, तुम बच्चियां कितने व्रत नियम आदि रखती थी, भक्ति मार्ग में इतने व्रत नियम आदि रखते थे, 7 रोज निर्जल रहती थी। बाबा को भी पता है बच्चों के भक्ति का स्वरूप क्या था, तो बाबा कहे 7 रोज निर्जल रहती थी, इतनी मेहनत करती थी, परंतु श्री कृष्णपुरी में जा न सके। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको भी पता नहीं पड़ता है। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है सो तुम अभी जानते हो। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है, बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे, बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख तुम कितने दिन भूखे मरते हो, जन्म बाय जन्म कितनी मेहनत करते हो। भक्ति मार्ग यही मेहनत का मार्ग, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई है। अभी तुमको उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग में ले जाते हैं। बाबा हम बच्चों को सदगति मार्ग पर ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते हैं कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो, बाबा राय देते रहेंगे। भल तुम अपना धंधा दोरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे ये बहुत धंधे में घुस पड़े हैं तो राय देंगे, क्यों इतना माथा मारते हो। बाबा तो बच्चों को राय देंगे कि क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे। पेट को 1-2 रोटी मांगता है, उनसे गरीब भी चलते तो शाहूकार भी चलते हैं। शाहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर रोगी भी बनते हैं। भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं और खाते क्या है, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वह खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना है। तुम हो रूहानी बच्चे, परमपिता परमात्मा माशुक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जाए मिलेंगे। बाबा को याद करते हैं तो बाबा से जाकर मिलेंगे। कई चाहते हैं साक्षात्कार हो यह हो, बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा, श्री कृष्णपुरी देखेंगे, यहां तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं है, मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूं तुमको ले जाने। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे, शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वो परमधाम से आया हुआ है कौन, शिव बाबा जरूर आए हैं, तब तो मंदिर यादगार बना है ना, शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु वो भारत में कैसे आते हैं
ये किसको भी पता नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते, श्री कृष्ण होता ही है सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं, शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं देखेंगे। अब वो शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता ही नहीं, रहता है श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं मैं महलों में रहता ही नहीं हूं, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरों का महल बनाया है, जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है। उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच क्यों बनाया, शिव बाबा का मंदिर सबसे ऊंचा क्यों बनाया है, यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है। हमेशा दिखाते हैं कि शिव का मंदिर पहाड़ों पर होता है, यानी ऊंचाई पर होता है, लेकिन शिव जी के लिंग जो है वह भूगर्भ में होता है। माना ऊंचे ते ऊंचा बाप जब इस धरती पर आते हैं तो गुप्त रह करके अपना सारा कार्य करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, कोई आसन को धारण नहीं करते हैं, अर्थात कोई पोस्ट पोजीशन को धारण नहीं करते हैं। तो बाबा कहे यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है, तो वो खुद कितने न शाहूकार होंगे। मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं, बॉम्बे में बाबूरी नाथ में शिव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में है। बाप कहते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो। और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हूं, शिव बाबा कहे अभी मैं कैसे झोपड़ी में बैठा हूं। तुम्हारा भी नाम बाला होना है, तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर है, कमाल है, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितना गुप्त हो, कोई को भी पता नहीं। तुम जान गए हो फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, वैकुंठ के मालिक बनते हैं, फिर पहले पहले पुजारी बन मंदिर भी उनको ही बनाना है। तो दिल में कहेंगे ना हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर ये पुरानी दुनिया क्या होगी। बाबा कहे ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए तो तुमको खुशी बहुत रहेगी। अपने से रूरिहान करो, सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिजाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले हैं, वर्षा पाया है, ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्मयोगी भी हो, भल घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो, हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीनों लोकों को जानने वाले हो, ज्ञान का नेत्र तुम्हारा खुला है, यह चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाप को भी खुशी रहती है
अभी तुम सेवा में उपस्थित हो, तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूं, इसलिए बाबा कहे अभी तुम मुझे याद करो, फिर सबसे पहले मंदिर शिव बाबा के बनेंगे, उसके बाद फिर भक्ति मार्ग में सेवाधारियों के यानी उपभक्त आत्माओं के द्वारा देवी देवताओं के मंदिर बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूं, तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है, बाप से राय लेते रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की बातों में ही रमण करना है, अपने आप से बातें करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, न आंखों का रोना न मन का रोना। जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। जरूर है, जब साक्षी होकर के कोई भी पाठ बजाएंगे तो कभी भी कोई बात हमें परेशान नहीं कर सकती है, तनाव में नहीं ला सकती है, और ही अटेंशन में आ जाएंगे कि आगे क्या करना है। अच्छा, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।